अनामिका अंबर का यह गीत हिंदी काव्य मंच पर बेहद पसंद किया गया है। इस गीत पर अनेक ने भी आटिकाएं हुई है। इस गीत में एक 8 साल का बेटा दीपावली के त्योहार पर अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है कि माँ, मेरे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसकी माँ को पता चलता है कि उसका पति और बच्चे का पिता युद्ध के दौरान शहीद हो गया है, पर वो अपने बेटे से इस बात को नहीं कह पाती। आइए पढ़ते हैं हृदय को झकझोरने वाली इस गीत को। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ से बार बार सवाल करते हुए अपनी माँ की हालत देख कहता है कि माँ, क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है ये श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा बाहर खेलने जाता है और अपने मित्र के पिता द्वारा लाए गए उन उपहारों को, उन गिफ्ट्स को देख कहता है कि किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ से बार बार प्रश्न करता है, पर माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता, तो वो अपनी माँ से रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ उन्हें झकझोरता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह कहता है कि 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दे पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। विडम्बना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उस पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उस पिता की लाश। वह 8 साल का बेटा अपनी माँ को देख जवाब देता है कि